नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, किन छो। आज ये जो आपका फैमिली मेंबर है राहुल भोज, ये आपको बताएगा कि किंग ऑफ रोमांस यानी कि हमारे शाहरुख सर, शाहरुख खान ने कौन कौन सी फिल्में कर दी रिजेक्ट और वो फिल्में बन गई सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट्स। सारी ये बातें आपके लिए। सबसे पहले जिस फिल्म की मैं बात करूंगा वो है कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है दोस्तों 2000 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के रिलीज के साथ ऋतिक रोशन बन गए थे जवान दिलों की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन हार्ट थ्रॉब बन गए थे और उनके लिए सारी जो लड़कियां हैं वो फिदा हो गई थी क्योंकि कैरेक्टर ही इतना बढ़िया किया था उन्होंने इस फिल्म में। सबसे पहले पापा रोशन यानी कि राकेश रोशन जी ने ये जो फिल्म है वो SRK यानी कि शाहरुख सर को ऑफर की। शाहरुख सर स्क्रिप्ट से कन्विंस नहीं हो पाए और बोला कि मैं सोचूंगा इस बात पर। पापा रोशन के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने कहा कि चलो अपने बेटे को लॉन्च करते हैं। तो भाई ऋतिक रोशन इस तरीके से हमें फिल्म इंडस्ट्री में जो है निकलते हुए नजर आए। अब इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को है ना क्रिटिकल एक्लेम भी मिला, साथ ही साथ पब्लिक ने भी सराहा। 2001 में जो फिल्म फेयर हुए थे दोस्तों तो उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, साथ ही साथ बेस्ट मेल एक्टर का डेब्यूटेंट अवार्ड भी ऋतिक रोशन की झोली में गया। सोचिए अगर किंग खान करते तो आज क्या होता। अगली जिस फिल्म की मैं बात करूंगा दोस्तों वो 2001 की सबसे बेहतर फिल्म में से एक थी जिसका नाम था लगान। आशुतोष गोवारी सर की ये फिल्म थी दोस्तों। इसमें आमिर खान मेन प्रोटैगनिस्ट थे, ग्रेसी सिंह थी इसमें आमिर खान सर के ऑपोजिट। अब ये जो फिल्म है ना दोस्तों, ये फिल्म इंडिया की ऐसी फिल्म है जो कि ऑस्कर तक पहुंचकर आई और ऑस्कर में अच्छा कमाल किया। टॉप 5 फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म में इसने जगह बना ली थी बट हार गई वहां पर। कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि इंडिया की फिल्म वहां तक पहुंची, टॉप 5 में पहुंची। इस फिल्म को सबसे पहले गोवारिकर साहब जो थे वो लेकर गए हमारे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख सर के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहरुख सर के पास डेट्स का प्रॉब्लम था, उनके पास डेट्स इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से फिल्म जो है पहुंच गई मिस्टर परफेक्शनिस्ट के पास। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने काफी ज्यादा स्क्रिप्ट को एनालाइज किया, अपने मम्मी पापा से डिस्कस किया और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के पापा मम्मी ने ही बोला कि आमिर इस फिल्म को छोड़ना मत और ये फिल्म हिट जाएगी। और फिल्म हिट गई दोस्तों। कंटेंट ले लीजिए, सॉन्ग ले लीजिए, लोकेशन ले लीजिए, एक्टिंग ले लीजिए, सब मामलों में ये फिल्म A1 थी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगली जो फिल्म आती है वो 2003 की रिलीज है दोस्तों, जिसका नाम था मुन्ना भाई MBBS, जिसने संजय दत्त की इमेज को पलट कर रख दिया। संजय दत्त थोड़ा सा डाउनफॉल था उनका उस समय, लेकिन संजय दत्त ने इस फिल्म के साथ ही कमबैक किया था और सिनेमा घरों में राज किया था। लिटरली वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो फैली थी इस फिल्म की वो आज तक किसी भी फिल्म की नहीं फैली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को चित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार हिरानी की ये पहली फिल्म थी और राजकुमार हिरानी की पहली चॉइस थे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख सर। शाहरुख खान सर को पहले ये फिल्म ऑफर की गई, लेकिन शाहरुख खान ने ना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेने में डर गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जो थे वो बहुत नए थे, राजकुमार हिरानी उनकी पहली फिल्म थी ये, तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के दिल में दिमाग में ये स्केप्टिकल रहा होगा कि यार हो सकता है कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, मेरे स्टारडम को खतरा ना हो जाए। इसकी वजह से शाहरुख सर ने ये फिल्म को कर दिया रिजेक्ट। और हाँ, एक और बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, इस फिल्म में जिमी शेरगिल का एक कैरेक्टर है जाहिर करके, तो वो जो जाहिर का कैरेक्टर है वो हमारे मुन्ना भाई को दिया था, यानी कि संजय दत्त को दिया था और शाहरुख को मेन दिया था। लेकिन जब शाहरुख ने बैकआउट किया तो मुन्ना भाई को ये बोला कि आप ये कर सकते हैं, तो मुन्ना भाई ने तुरंत हाँ कह दी, यानी कि संजय दत्त ने तुरंत हाँ कह दिया कि मैं मेन प्रोटैगनिस्ट करूंगा। देखिए आज संजय दत्त को अगर जाना जाता है तो उनके लिए वैसे तो बहुत सारी फिल्में उनकी वास्तव है और बहुत सारी फिल्में, लेकिन मुन्ना भाई एक अलग ही लेवल है दोस्तों। किंग खान का फिल्मों को छोड़ना, रिजेक्ट करना और दूसरे एक्ट्रेस का उस चीज को पा जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये बात बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही थी। ऐसे में 2006 में एक फिल्म आती है
मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती जो फिल्म थी दोस्तों, वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की फिल्म थी। इस फिल्म को भी ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था दोस्तों। फिल्म काफी आगे तक गई थी, टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अच्छा किया था इसने। प्लस ये थॉट प्रोवोकिंग फिल्म थी। इस फिल्म में जो पेट्रियटिज्म को दिखाया गया था, इस फिल्म में जो जज्बे को सैल्यूट किया गया था, वो काबिल-ए-तारीफ था। इस फिल्म की सबसे पहली चॉइस यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की सबसे पहली चॉइस थे किंग ऑफ रोमांस। एज यूजुअल किंग ऑफ रोमांस ने टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि उनके पास फिर से अगेन डेट्स का इश्यू था, वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी गए सीधे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर सर के पास, और लीजिए आमिर सर इस बार भी लकी। आमिर सर ने फिल्म करी दोस्तों, और फिल्म सुपर डुपर हिट गई। फिल्म के लिए आमिर सर को बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया, हालांकि लेकिन आमिर सर ही नहीं गए अवार्ड लेने के लिए। मैं तो कहता हूँ यार सर को जाना चाहिए था, क्योंकि रंग दे बसंती बहुत अच्छी फिल्म थी, और उसके लिए जो भी उनको अवार्ड मिलते वो जेन्युइन ही मिलते। अब दोस्तों 2008 आ चुका है। 2008 में आशुतोष गोवारिकर फिर से अपनी फिल्म लेकर आते हैं जिसका नाम था जोधा अकबर। और इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने जिस तरीके से अकबर का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, वो देखने लायक था दोस्तों। हम आज भी अगर आंख बंद करके अकबर के बारे में सोचते हैं तो ऋतिक रोशन की ही इमेज आती है जहन में। ये फिल्म फिर से अगेन SRK शाहरुख सर को ऑफर की गई थी दोस्तों। दरअसल क्या हुआ, इससे पहले आशुतोष सर की और शाहरुख सर की फिल्म आई थी स्वदेश। फिल्म को क्रिटिकली अच्छा जो है रिसेप्शन मिला था, अच्छा एक्लेम मिला था, लेकिन ऑडियंस के दिलों में घर कर नहीं गई थी फिल्म। तो फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया था। उस बात की भरपाई के लिए आशुतोष जो गोवारिकर जी हैं, वो चाहते थे कि शाहरुख खान को लेकर जोधा अकबर बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि शाहरुख खान को जो लगा बातें, वो मैं आपको बताता हूँ कि शाहरुख खान को लगा कि फिल्म के जो लोकेशन है वो बहुत दूर हैं, और वो छुट्टियों के टाइम पे अपना पूरा समय अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहते थे, जिसकी वजह से फिल्म के ऑफर को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। और ऋतिक रोशन ने तुरंत ये बात को ग्रैब कर लिया, और देखिए ना 2009 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ऋतिक रोशन ने जीता था। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, और अब राजकुमार हिरानी 2009 में लेकर आते हैं 3 Idiots। आमिर खान सर थे इस फिल्म में। इस फिल्म ने दर्शकों को हंसाते हंसाते रुलाया और रुलाते रुलाते हंसाया दोस्तों। ज्यादातर क्या होता है दोस्तों कि बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड होती हैं, उनके कॉपीराइट्स खरीद कर जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं उस पर अपनी कहानी लगाते हैं और फिल्म बनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसके राइट्स एक मैक्सिकन फिल्म कंपनी ने खरीदे और मैक्सिकन लैंग्वेज में इस फिल्म को बना दिया, 3 Idiots। उनको कुछ नाम भी ऐसी रखा था मैक्सिकन लैंग्वेज में। सो ये दोस्तों सबसे पहले जो ऑफर की गई थी, मतलब आमिर खान का रैंचो का जो कैरेक्टर था वो ऑफर किया था शाहरुख सर को। शाहरुख सर ने जो है टर्न डाउन कर दिया, और ये बात का कंफर्मेशन विधु विनोद चोपड़ा फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला कि शाहरुख सर के पास गए थे हम, डेट्स की इश्यूज की वजह से फिल्म वो नहीं कर पाए, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि फिल्म को परफेक्ट कास्ट मिली, यानी कि फरहान यानी कि आर माधवन साहब, राजू यानी कि हमारे शर्मन जोशी, और रैंचो जिसे प्ले किया था टेरिफिक एक्टर आमिर खान सर ने। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर 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 हिट गई थी। अब दोस्तों शाहरुख खान जिन फिल्मों को रिजेक्ट कर रहे थे वो सुपर डुपर हिट जा रही थी। ऐसे में 2012 में एक और फिल्म आती है जो कि शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दी थी। मैं बात कर रहा हूं किसकी, हम सब की फेवरेट, एक था टाइगर की। टाइगर फ्रेंचाइजी की ये पहली फिल्म थी दोस्तों। दूसरी फिल्म इसकी 2017 में आती है, टाइगर जिंदा है। पहली फिल्म के लिए कबीर खान ने जो जीरो डाउन किया था वो SRK को किया था। जी हाँ, शाहरुख खान उनकी पहली पसंद थे और ये बात उन्होंने इंटरव्यू में कंफर्म की है। लेकिन शाहरुख सर ने फिल्म को रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वो साइमल्टेनियसली जो है शूटिंग पे थे जब तक है जानकी। अब वो एक साथ दो दो नाव में तो पैर नहीं रख सकते थे, इसकी वजह से उन्होंने टाइगर का ऑफर ठुकरा दिया और बोला कि ऐसा करो कबीर भाई, हम कभी और काम कर लेंगे, यहाँ पर आप किसी और के साथ काम कर लो। तो कबीर खान ने सीधे अप्रोच किया भाईजान सलमान खान, सबकी आन सबकी शान, हम कहे भाईजान को। सलमान खान ने तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस फिल्म की एक इन दोनों फिल्म की, जब तक है जान और
टाइगर की, दोनों की फिल्म की मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ आपको। कैटरीना कैफ दोनों फिल्म में एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, कैटरीना कैफ दोनों फिल्मों को साइमल्टेनियसली शूट कर रही थी। देखो इसको कहते हैं एक्टर, मतलब वहां पर टाइगर का जो जबरदस्त एक्शन सीन ये वो शूट करना और यहाँ पर रोमांस करना किंग खान के साथ, भाई टफ है, बहुत टफ है। सो दोस्तों ये तो थी कुछ फिल्में जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस करी, और भी हैं जैसे फरारी की सवारी है, और जैसे जैसे पता चलेगा मुझे आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए अगर किंग खान इन जो ऊपर जो फिल्में थी उनमें से अगर किसी एक फिल्म में होते या आपकी कौन सी चॉइस है, किंग खान को आप कौन सी फिल्म में देखना चाहते थे, जो भी कहना है नीचे का कमेंट सेक्शन आपका है, समझदारी से उसका इस्तेमाल कीजिए। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा। और यार कमेंट कर दो यार, आपकी फैमिली का मेंबर हूँ मैं, यूट्यूब की फैमिली है हम, राहुल भोज है मेरा नाम।